प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो, आपण यापूर्वी इयत्ता 10वी विषय मराठी कविता क्रमांक अक्षरश प्रार्थना क्रमांक 1 तू सर्व जगाचा त्राता रे हिचा परिच्छेद क्रमांक 1 स अध्ययन केला, म्हणजेच उर्दू भावार्थ सा अध्ययन केलं। तर चला विद्यार्थी मित्रांनो, आपण याच्यानंतर भाग क्रमांक 2 म्हणजेच परिच्छेद क्रमांक 2 याचा पण आज आपण या व्हिडिओत अभ्यास करूया, सुरू करूया। तर चला विद्यार्थी मित्रांनो, इयत्ता 10वी विषय मराठी कविता क्रमांक 1 तू सर्व जगाचा त्राता रे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हमें इस टाइटल को समझना है कि तू सर्व जगाचा त्राता रे, यानी तू ही दुनिया का पालने वाला रे, यानी तू ही दुनिया का पालनहार। तो चलो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं परिच्छेद क्रमांक 2 के वरदान तुझे आम्हा द्यावे, कल्याणदायी सर्व वावे, बसशील तू आमुच्या नित्यमनी, तव कृपा छत्रधरी आतारे। के तव कृपा छत्रधरी आतारे। प्यारे बच्चों, इस नज्म में चारुता प्रभुदेसाई भाग नंबर 2 और उसका हिस्सा नंबर 1, जिसमें चारुता प्रभुदेसाई हमें कह रही हैं कि वरदान तुझे आम्हा द्यावे, यानी तेरी जो खुदाई देन होती है, जो खुदा की देन होती है वो हमें दे, तेरी देन हमें दे, और कल्याण दे सर्व वावे, कि तेरी देन हमें दे जिससे हमारी ज़िंदगी में सुकून आए और हमारी ज़िंदगी अच्छी हो और हमारी ज़िंदगी में भलाई हो। बस चिल तू अमुचा नित्य मणि, कि तू हमारे दिलों में बसता है। तव कृपा छत्र धरी आता रे, कि तेरी छत्र छाया में हमें रहने दे, या तेरी छत्र छाया हमारे सर पर रहने दे जिससे कि हमारी ज़िंदगी में सुकून आए और हमारी ज़िंदगी में अच्छाई हो, भलाई हो। आखिरी बंद में चारुता प्रभुदेसाई कह रही है कि दे शक्ति अम्हा संकटमयी, निर्भयता बसुदे या हृदय, प्रार्थना हिच अंतर्यामी तुझला विश्वासा नातारे। तो प्यारे बच्चों, चारुता प्रभुदेसाई इस नज्म के आखिरी बंद में हमें कह रही है कि दे शक्ति अम्हा संकटमयी, के हमें मुश्किल वक्त में शक्ति दे, ताकत दे, कुवत दे, ताकि हमारी जिंदगी का हम मुश्किल वक्त में सामना कर सके, परेशानियों में सामना कर सके। निर्भयता बसुदे या हृदय, के हमारे दिल से डर को निकाल दे, हमारे दिल में निडर बसने दे, यानी हमारा दिल बेखौफ कर दे, तेरी मोहब्बत हमारे दिल में डाल दे और हमारा दिल बेखौफ कर दे। प्रार्थना हिच अंतर्यामी, के हमसे हम अंदरूनी दुआ यही करते हैं, हमारे दिल से हम दुआ यही करते हैं कि तुझला विश्वासा नाता रे, के तेरे जैसा कोई नहीं है और तू ही दुनिया का पालने वाला है। तो प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा, समझा, तो इसको आप बगौर देखें, बार बार देखें और समझने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम।